Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Sports 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं हम्माद सदीकी और व्यूअर्स, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है माउंट मैकनॉय में, आज तीसरे दिन खेल के अख्तिताम पर पाकिस्तान की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 239 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान स्टिल ट्रेल बाय 192 रन, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को इनिंग्स की डिफीट से तो बच गया, लेकिन अगर न्यूजीलैंड क्लब अपनी दूसरी इनिंग खेलती है, कितना टारगेट देती है, 192 में कितना ऐड करेगी, 150 और ऐड कर लेगी तो 350, या अगर न्यूजीलैंड कल टी तक भी खेलती है और 200 रन ऐड कर लेती है तो 200 और ये 192 तो ऑलमोस्ट 400 रन का टारगेट पाकिस्तान को देगी। अब पाकिस्तान की बैटिंग आज कैसी रही कि ओवरनाइट रिज्यूम द फर्स्ट इनिंग एट ओवरनाइट टोटल ऑफ 30 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट एंड वर इन रियल ट्रबल इन द ओपनिंग सेशन। पाकिस्तान लॉस्ट 5 विकेट इन क्विक सक्सेशन एंड वर 80 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एट वन स्टेज। उस वक्त लग रहा था कि हम इनिंग्स की डिफीट ही हो जाएगी हमें, लेकिन देन फहीम अशरफ जॉइंट कैप्टन मोहम्मद रिजवान एंड दे बोथ पुट ऑन 107 रन फॉर द 7th विकेट पार्टनरशिप। बहुत क्रूशल पार्टनरशिप थी। फहीम बैक्ड हिमसेल्फ एंड विद करेज, डिटर्मिनेशन एंड विद एग्रेसिवनेस, जो कि वो थोड़ा खेलते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, उनका हुक और पुल बहुत अच्छा है। और उन्होंने वही किया जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स की स्ट्रेटेजी थी कि शॉर्ट पिच बॉल करते थे, बॉडी लाइन बॉल कर रहे थे, और उस पर उन्होंने जब हुक और पुल अच्छा करना शुरू कर दिया, काउंटर अटैक किया, तो न्यूजीलैंड के पास फिर ऑप्शंस कम हो गए थे क्योंकि बॉल की मूवमेंट इतनी नहीं नज़र आ रही थी जो जो नए बॉल से होनी चाहिए थी। और टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे बॉलर लग रहे थे कि आप आराम से खेल सकते हैं, आप सेशन टू सेशन चाहें आप रैश शॉट्स ना खेलें, आप लाइन में आके स्टंप देखते हुए अपने ऑफ स्टंप को छोड़ दें तो आप खेल रहे थे, कोई मुश्किल नहीं थी। और एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान की पार्टनरशिप 107 रन की हो गई थी और हम समझ रहे थे कि आज का दिन हम 6 विकेटों पे गुजार सकते हैं और कल आकर दोबारा एक सेशन शुरू करेंगे और इस मार्जिन को, जो फर्स्ट इनिंग का मार्जिन है दोनों टीम्स के टोटल में, उसको और स्क्वीज कर सकेंगे, रिजवान ने एक ज़बरदस्ती अननेसेसरी सेकंड रन लेने की कोशिश की विद पार्टनरशिप ऑफ फहीम अशरफ। वो कहीं से भी नहीं था। फहीम अशरफ ने मिड विकेट पे शॉट खेला था, मिचेल सेटनर बाउंड्री से बहुत तेज़ भागते हुए आए और एक हाथ से बॉल पकड़ के उन्होंने थ्रो किया और डायरेक्ट हिट होगी और रिजवान तकरीबन बिखर से एक फुट के मार्जिन से वो रन आउट हो गए। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 70 ऑड रन बना लिए थे, लेकिन वो आउट हो गए। अफसोस हुआ उनका, सेंचुरी भी कर सकते थे। हमने देखा कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने सेंचुरी भी की और फहीम अशरफ जिनका लास्ट बेस्ट टोटल जो था वो 83 था और वो उसको क्रॉस कर, फॉलो ऑन से बचने के लिए हमें 31 रन दरकार थे जब यासिर शाह बैटिंग करने आए। यासिर शाह का रीसेंट पास में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है एज बैट्समैन, लेट ऑर्डर में उन्होंने, हमने देखा कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया सेंचुरी स्कोर की, तो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो फहीम अशरफ का थोड़ा साथ देंगे, हम फॉलो ऑन के खतरे से बाहर निकल सकेंगे और उसके बाद से और कंसोलिडेट करेंगे, थोड़ा और टोटल को इंक्रीज करेंगे। लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे, 5 बॉलें खेलने के बाद उन्होंने सिंगल लिया कि यासिर शाह एक ही बॉल खेलेंगे और यासिर शाह को बड़ा रैश शॉट खेला है, रिस्पॉन्सिबल नहीं मुझे नज़र आए। कि आपको पता है कि ट्रेंट बोल्ट जो है वो जब बॉल करते हैं तो इन स्विंगर करते हैं ज़्यादातर, और मुझे नहीं समझ आई कि यासिर शाह खुद इतने एक्सपीरियंस है प्लस जो कोचिंग स्टाफ है क्या समझा के भेजा कि उसको जाते साथ ही आपने शॉट खेलना है, आपको सिर्फ वो बॉल ब्लॉक करना था। आपके उस एग्रेसिव शॉट की वजह से उसने आपको इन स्विंगर किया और आपके बैट और पैड के दरमियान से बॉल निकल गया और आप बोल्ड हो गए, बहुत इररिस्पॉन्सिबल शॉट। खैर एनीवेज, क्रिकेट में ये सब कुछ होता रहता है, रैश शॉट्स प्लेयर खेलते हैं। शाहीन शाह आफरीदी खेलने आए और शाहीन शाह आफरीदी ने बहुत अच्छी बैटिंग की, मैं कहूँगा जिम्मेदाराना बैटिंग की। टेल एंडर बैट्समैन आए और अपने आप को अप्लाई करे, उसने सिर्फ ये किया कि अपने ऑफ स्टंप को जज किया, जो बॉल अंदर आता था उसको आराम से वो ब्लॉक कर लेते थे और बाहर वाली बॉल को लेफ्ट करना शुरू कर दिया था, खेल रहे थे। लेकिन उनके भी आउट की मैं कुछ जिम्मेदारी फहीम अशरफ को दूंगा। फहीम अशरफ ने कायल जेमिसन के पहली बॉल पे सिंगल ले लिया और उनको 5 बॉलों के लिए एक्सपोज कर दिया। अमूमन यूजुअली होता ये नहीं है कि आप जब टेल एंडर के साथ खेलते हैं तो आप तीसरी, चौथी या पांचवी बॉल में उसको एक्सपोज करते हैं कि वो 2 बॉलें सर्वाइव कर लेगा या 1 बॉल सर्वाइव करेगा, तो फहीम अशरफ ने उनको 5 बॉलें खेलने दी जो उनके लिए काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा हो गई।
और वही हुआ कि काइल जेमिसन ने उनको शॉर्ट पिच बॉल्स करना शुरू की, शॉर्ट लेग ली हुई थी और दो चार उन्होंने रोक ली, लेकिन एक उनके ग्लव से लग के फिर उसके हाथ में चली गई और वो बेचारे आउट हो गए। छः रन बनाए, स्टे किया विकेट पे उनके साथ, लेकिन वो आउट हो गए। इससे पहले जो हमारे प्लेयर थे जो गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की, ओवरनाइट जब हम 30 for 1 थे तो उसके बाद से मेन बैटिंग हमारी आनी थी, जितने बैटिंग करनी थी और क्या बैटिंग करनी थी वो आज आपके सामने नजर आ गई। नाइट वॉचमैन ने अपना किरदार अदा कर दिया था, उन्होंने कल रात सरवाइव कर लिया था, अजहर अली को बचा लिया था, उनका रोल वहाँ पर मुकम्मल हो गया। आज वो जो भी करते वो बोनस होता है जितने भी रन ऐड करते, लेकिन खैर वो भी जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद मैंने देखा कि काइल जेमिसन जो है बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और मेडन पे मेडन ओवर्स कर रहे हैं, रन बिल्कुल ब्लॉक कर दिए थे उन्होंने, और जो वो वाइड ऑफ द एंगल बॉल करते थे तो बैट्समैन के बिल्कुल स्टंप्स में बॉल आ रही होती थी, आप अगर मिस भी करेंगे तो आप बोल्ड हो जाएंगे, ये लेग बिफोर हो जाएंगे। और वही उन्होंने किया, अनइवन बाउंस था, एक तो उनकी हाइट थी 6 foot 8 inch उनकी हाइट है और उनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था, विकेट जो है वो ऐसा बिहेव कर रही थी, कोई बॉल नीचे रह जा रहा था, कोई ज़्यादा बाउंस कर रहा था, तो बैट्समैन कन्फ्यूज़ हो गया था कि मैं इसको आगे खेलूँ बैक फुट पर खेलूँ। और उसी उस चक्कर में मुझे नज़र आया कि आबिद अली जो है वो ना ज़्यादा फॉरवर्ड गए ना कुछ गए और वो बोल्ड हो गए गैप में से। फिर आ जाते हैं अजहर अली, अजहर अली को टिम साउदी में अजहर अली की गलती नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा बॉलता, बेहतरीन आउट सिंगर था, वो कोई भी दुनिया का बैट्समैन होता उसको खेलता और वो एज लगता और वो आउट हो गए, कैच हो गया उनका। लेकिन जिस विकेट पे मुझे अफसोस है, एक तो हारिस सुहेल और दूसरा फवाद आलम, आप मिडल ऑर्डर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नंबर 4 की पोजीशन हारिस सुहेल ऑक्यूपाई करते हैं और इतना कैजुअल शॉट खेलना, वो खेलते बड़ा एलिगेंस है उनके स्टाइल में खेलने का, लेकिन जो शॉट उन्होंने खेला बड़ा कैजुअल खेला और जानते हुए कि पाकिस्तान के किस मुश्किल सूरत हाल से इस पर गुजर रहा है, उनको थोड़ा सा अप्लाई करना था, बॉल को छोड़ना था, विकेट पे स्टे करना था, जिस तरह कि रिजवान और फहीम अशरफ ने किया, और उसके बाद से उनके लिए आसान हो गया बैटिंग करना। ऐसी पिचेस पे जितना ज़्यादा आप स्टे करेंगे, आप विकेट की कंडीशन से, पिच की कंडीशन से आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मुझे खेलना है। लेकिन बड़ा रैश शॉट, गली में उन्होंने कैजुअली अटेम्प्ट किया, गली की तरफ खेला और कैच आउट हो गए, तो वो एक अच्छी शॉट नहीं थी। फिर आ जाते हैं फवाद आलम, फवाद आलम के बारे में बहुत सारी बातें हो रही, डोमेस्टिक क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हुए हैं और उनको चांस देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनका बैटिंग स्टांस ही अजीब है, वो यूँ खड़े हो जाते हैं, पहले यूँ खड़े हो जाते हैं उसके बाद से जो बॉलर आता है तो यूँ हो जाते हैं। जब इतनी ज़्यादा आपकी मूवमेंट होगी तो आपको अच्छे बॉलर नहीं खेलने देंगे जो तेज़ होंगे, और वही हुआ उनके साथ। शॉर्ट पिच बॉल की गई और जानते हुए कि हमारा स्कोर 50 for 5 है, आप इतनी गलत शॉट खेल रहे हैं और आपको बाउंसर किया गया था, आपको डक कर देना चाहिए था, अगर आप मार भी लेते तो क्या हो जाता, एक चौका मिल जाता आपको, लेकिन आपकी टीम इस वक्त मुश्किल पोजीशन में है, आपको टीम के लिए खेलना था, आपको वो बॉल छोड़ देना था, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट किया और विकेट कीपर के पास एज लग के गया और उसने आउट हो गया। तो ये भी एक गैर जिम्मेदाराना शॉट मैं कहूँगा, ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान टीम को देखनी पड़ेगी सेकंड इनिंग। अब उनके अब न्यूजीलैंड क्या टोटल सेट करता है, सेकंड इनिंग में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा, जिन बैट्समैनों ने परफॉर्म नहीं किया उन्होंने देखा कि टेल एंडर, इवन फहीम अशरफ जो कि ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया और एक अच्छा टोटल 91 का, अनलकी रहे कि सेंचुरी नहीं स्कोर कर सके, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग, जितनी भी तारीफ की जाए उसका वो कम है उनके लिए। न्यूजीलैंड की जानब से काइल जेमिसन ने जो है 3 खिलाड़ी को आउट किया, इसके अलावा वैगनर, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट ने भी विकेट हारे। और चीज़ जो पाकिस्तान के बैट्समैनों के जहन में थी वो ये थी कि नील वैगनर जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, उनको बैटिंग करते हुए शाहीन शाह आफरीदी का यॉर्कर जो है उनके टॉप पे लगा था और वो उसकी वजह से ये हम समझ रहे थे कि शायद वो बॉलिंग ना कर पाए और उनके बाकी 3 बॉलर रह जाएंगे, तो 3 बॉलर को थका देंगे आप, हम ज़्यादा विकेट पे स्टे करेंगे, बॉल को लेफ्ट करते रहेंगे और जब वो थक जाएंगे तब स्कोरिंग करेंगे। तो ऐसा होता नहीं है, हर टीम अपना अपनी स्ट्रेटजी प्लान करके आती है, अपनी उसके हिसाब से आपको काउंटर अटैक करती है और उनकी स्ट्रेंथ वही है नए बॉल की, उनकी अपनी कंडीशन में वो आपको हमेशा अटैम्प्ट करते हैं कि आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को चेज करें और स्निक लगता है और हमारे बैट्समैन, ये हमेशा से होता आ रहा है, मैं ये कोई नई बात नहीं करूँगा, जो भी कोचेज इस वक्त भी हैं टीम में जब वो भी बैटिंग कर रहे होते थे पाकिस्तान के लिए वो भी इसी तरह ही आउट होते थे। ये वो आपकी टेक्निक में फॉल्ट है जो ख़त्म नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो पिचेस जिन पे हम खेलते हैं वो बिल्कुल प्लेसेड पिचेस होती है, वो स्पिनर्स को सूट करती हैं,
वहाँ पे फास्ट बॉलर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 ओवर 4 ओवर करके साइड बोला जाता है और सारा दिन स्पिनर्स बॉल करते रहते हैं और आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट के टीम्स हैं वो जब स्पिनर्स आते हैं तो वो कम्फर्ट जोन में चले जाते हैं, वो आराम से खेल, उनके ऊपर से प्रेशर हट जाता है। के बावजूद नील वैगनर ने 13 ओवर्स किए एक स्पेल में और हैट्स ऑफ टू हिम कि इंजरी के बावजूद कमिटमेंट थी टीम के लिए और परफॉर्म करके दिखाया। उन्होंने आउट भी किए, 2 आउट किए और ये एक फास्ट बॉलर का होता है कि फास्ट बॉलर बहुत मुश्किल होगा, मुझे पता है कि टो पे अगर आपके बॉल लगी भी हो और फिर जब आप बॉलिंग क्रीज पे जब आप पहुंचते हैं तो टो पे पूरा जोर पड़ता है आपका और वो जोर वो बर्दाश्त करना आपकी चोट लगी हुई तो आसान काम नहीं है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू ऑस्ट्रेलिया एंड इन मेलबर्न विद सेकेंड क्रिकेट टेस्ट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इज इन प्रोग्रेस एंड ऑन द थर्ड डे ऑफ द सेकेंड क्रिकेट टेस्ट मैच एट ड्रॉस्टम Australia were 133 for the loss of 6 wickets, just 2 runs ahead. 2 runs उनकी लीड के हो गए हैं। अब इंडिया को मैच जीतने के लिए चौथे दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि आखिरी के जो 4 बैट्समैन हैं ऑस्ट्रेलिया के वो कितना टोटल और बढ़ा सकते हैं, इंडिया के लिए कितने रन का टारगेट दे सकते हैं। इससे पहले इंडिया रिज्यूम देयर फर्स्ट इनिंग एट द ओवरनाइट स्कोर ऑफ 277 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और उसके बाद और इंडिया की पूरी टीम 326 रन पर आउट होगी और इस तरह उन्होंने 131 रन की पहली इनिंग्स की लीड ली। 131 रन की लीड बहुत अच्छी लीड होती है और हम ये समझ रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया लीड को कम करके 150 ऊपर कर लेगा, 300 स्कोर करेगा सेकंड इनिंग में, लेकिन ये क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। सबसे पहले उनके डेविड वार्नर का ना होना टीम में वो एक उनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है कि वो एक अच्छा स्टार्ट देते थे, दूसरी टीम पे काउंटर अटैक स्टार्ट से ही कर देते थे और उनकी जगह जो ओपनर खेल रहे हैं जो बंस लास्ट 4 में से 3 इनिंग्स में वो फेल हो चुके हैं तो उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम में क्यों है, इनकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले। लेकिन मैंने ये देखा कि जो ऑस्ट्रेलियन रन मशीन है स्टीव स्मिथ वो भी अपनी कोई लास्ट 4 में से 3 इनिंग्स में डबल फिगर में नहीं दाखिल हो सके, ये बहुत बड़ा फेलियर है स्टीव स्मिथ का, कंसिडरिंग के जितने अच्छे वो बैट्समैन है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो रेटिंग आती है दुनिया में टॉप 5 बैट्समैन है वो वहाँ स्टैंड करते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में क्या हो रहा है उनसे रन्स नहीं बन रहे और वो आउट हो गया। और आज भी क्या हुआ कि उनको जसप्रीत बुमराह ने फास्ट बॉलर अगर डाउन द लेग साइड बिहाइंड योर लेग्स आपको बोल्ड कर रहा है तो ये आपकी टेक्निक में फॉल्ट है, बहुत ज़्यादा देखा है कि वो बैटिंग करते हुए शफल करते हैं, एक अजीब सा उनका बैटिंग स्टांस है, जिस तरह फवाद आलम की बात करें कि कभी सीधे खड़े हो जाते हैं फिर यूँ सामने आते हैं, तो स्टीव स्मिथ भी जो है वो अपनी क्रीज में बहुत ज़्यादा हिलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है उनकी। तो इंडियंस कोचिंग स्टाफ और बॉलर्स ने बैठ के इसको स्टडी किया और उनको टारगेट किया और बिहाइंड द स्टंप बिहाइंड द लेग उनको बोल्ड कर दिया, तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की। और इंडिया ने जो आज अपनी पहली इनिंग कल के 277 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट पे दोबारा शुरू की तो अजिंक्य रहाणे 112 रन पे रन आउट हो गए। रहाणे का रन आउट का इशू है, उनकी रनिंग का इशू है, उन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में विराट कोहली को भी रन आउट करवा दिया था, इस मैच में वो कैप्टेंसी कर रहे हैं और रन आउट हो गया खुद और उनका साथ दे रहे रविंद्र जडेजा और उन्होंने बनाए 57 रन और उसके अलावा पंत जो है उनके विकेटकीपर बैट्समैन उन्होंने 29 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 3-3 जबकि नेथन लाइन ने 2 विकेटें हासिल की। मैच बहुत फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया 2 रन से मजीद कितने और ऐड कर सकते हैं, लास्ट 4 विकेट्स उनकी है, देखना पड़ेगा चौथे दिन का खेल कहाँ ख़त्म होता है। अमूमन देखा यह गया कि ऑस्ट्रेलिया दूसरी टीमों को तीसरे चौथे दिन हरा देती है और ये सेम उनके साथ हो रहा है तो उनकी क्या फीलिंग होगी और तीसरे टेस्ट में फिर वो क्या प्लानिंग करके आते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त सीरीज। एंड नाउ मूविंग ऑन टू साउथ अफ्रीका जहाँ पे पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका एट सेंचुरियन और श्रीलंका की पहली इनिंग के स्कोर 340 रन के जवाब में साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 317 रन बनाए थे और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे और अभी भी स्टिल ट्रेल बाय 79 फाफ डुप्लेसी विद 71 और उनका साथ दे रहे हैं बबूमा जो 41 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे हैं। दोनों टीमें रीबिल्डिंग के प्रोसेस से गुजर रही हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके सीनियर प्लेयर रिटायर हो चुके हैं तो एक नई टीम नज़र आ रही है दोनों की तरफ से और यही हमने देखा कि टोटल भी इसलिए 340 प्लस हुआ। लेकिन साउथ अफ्रीका की एक अहम बात मैं ये करूँगा कि टेस्ट क्रिकेट में स्कोरिंग रेट जो है साउथ अफ्रीका ने जो 317 रन बनाए वो बनाए एट एन रन रेट ऑफ 4.40
बहुत अच्छा एग्रेसिव खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। इसका ये मतलब हुआ कि श्रीलंका ने रन कंट्रोल नहीं किए, श्रीलंकन बॉलिंग जो इनएक्सपीरियंस है उससे मैच कंट्रोल नहीं हो सका, बहुत सारे रन लीक किए, बाउंड्रीज लगती रहीं और उसके अलावा रन नहीं रुके उनसे किसी सूरत भी। तो ये साउथ अफ्रीका ने अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए एग्रेसिव खेले और 317/4 है, और रेस्ट ऑफ द सिक्स जो उनके विकेट्स रहती हैं वो इसको कितना टोटल को 79 रन का अभी भी डेफिसिट है उसको कितना कम कर सकती है, लीड लेती है नहीं लेती, ये आज के खेल के बाद कल के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इट्स गुड बाय। कीप ऑन वॉचिंग स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हम्माद फॉर लेटेस्ट न्यूज़, views and interviews of sports personalities from around the world.